नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, COVID-19 के एडवेंट से इकोनॉमी एकदम रुक सी गई है, थम सी गई है। तो इस महामारी से निपटने के लिए हमारे सांख्यिकी मंत्रालय ने एमपी लिड्स स्कीम के तहत जो फंड एमपीज को हर साल मुहैया कराया जाता था उनकी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करने के लिए, उसे 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब उन्हें नहीं दिया जाएगा 2 साल के लिए। तो क्या होगा उस फंड का? उस फंड को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए यूज़ होगा। और तो और एमपीज की जो सैलरीज हैं उन्हें भी उसमें भी 30% तक कटौती की गई है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि एमपी लिड्स स्कीम क्या है, गवर्नमेंट क्या चेंज लेकर आई है और अपोजिशन क्यों विरोध कर रही है कि आप एमपी लिड्स स्कीम के तहत जो हमें फ़ंड मिलता था उसे नहीं देंगे। तो इस चीज़ का विरोध कर रही है अपोजिशन, वो क्यों कर रही है, क्या उनका विरोध लाजमी है, सब कुछ इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। देखिए, जानते हैं क्या इस स्कीम के तहत हुआ है। देखिए, रिसेंटली हमारे सेंटर ने क्या किया है कि एक ऑर्डिनेंस पास किया है सैलरीज अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत। इसके अंतर्गत उन्होंने एमपीज की 30% सैलरीज में कटौती की है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 से उन्हें अपनी सैलरी 30% कटी हुई मिलेगी। उन्हें 1 लाख सैलरी मिलती है पर मंथ की, तो उन्हें 70,000 मिलेगी। और इसके अलावा जो उन्हें एमपी लिड्स से फंड मिलता था वो भी 2 साल के लिए काट दिया है। और 2 साल में टू बी वेरी कंप्राइज करके बताऊं तो 2021 और 2021-22 ये ईयर्स के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 2 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए इस अमाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा COVID-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए। देखिए, अब जो 30% सैलरी कट है वो मिनिस्टर्स का, इसमें इंक्लूड होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आ जाएंगे और भी लोग यहाँ पर आ जाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नर्स, सबकी 30% तक सैलरी कट की जाएगी। खाली एमपीज ही इसमें कवर नहीं है, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट के तहत खाली एमपीज की सैलरीज कट होंगी, अलाउंसेस और पेंशंस नहीं होंगी, राइट। जो एक्स एमपीज थे उनकी नहीं होंगी, है ना, उनको जो अलाउंसेस और पेंशंस मिलते थे वो कट नहीं किए गई हैं। अब देखिए, बात करते हैं एमपी लिड्स के जो सस्पेंशन कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया 2 साल के लिए, इसके जो फंड नहीं मिलेंगे तो इससे कितना अमाउंट जुड़ जाएगा। टू बी वेरी कंप्राइज 7950 करोड़ एग्जैक्ट फिगर है, तो हम मान के चल रहे हैं कि 8000 करोड़ तक मिल जाएगा इससे। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए। वैसे तो पहले भी काफ़ी एमपीज़ ने अपना जो एमपी लिड फंड था वो कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने के लिए यूज़ कर रहे थे वो लोग, लेकिन अब सेंटर ने ऑफिशियली इस चीज़ को कर दिया कि नहीं, आप कंसोलिडेटेड फंड में ही उस अमाउंट को दीजिए, एमपी लिड फंड को मिनिस्टर्स को मत दीजिए, राइट। अब देखिए, करेंटली लोकसभा में 542 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 12 नॉमिनेटेड, राइट। तो जो ये डिसीजंस हैं वो सबकी, सारे एमपीज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम कुछ और प्रीवियस मेजर्स देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने अपनी 1 डे सैलरी इस चीज़ के लिए एक तरह से दान कर दी है, लेकिन ये क्लियर अभी नहीं है कि उनकी सैलरी कटेगी या नहीं। और जो तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट है हैड ऑलरेडी अनाउंसड सैलरी कट्स एट ऑल लेवल। तेलंगाना गवर्नमेंट तो अपने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी हर लेवल पर काटेगी, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम करता हो बंदा, गवर्नमेंट में है तो कटेगी। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स भी लेकर आई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, ठीक है। तो ये तो बात हुई जो भी प्रीवियस मेजर्स हैं उनकी। अब हम बात करते हैं कि एमपी लिड्स स्कीम एक्चुअली में है क्या। देखिए, जो हमारी एमपी लिड्स स्कीम है वो सबसे पहले 23 दिसंबर 1993 को लॉन्च की गई थी। और इसका जो सारा काम था, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखती थी। कमेंट सेक्शन में इसके मिनिस्टर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अब जो इसका काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स देखती है, इसके भी मिनिस्टर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और इसका जो फोकस है वो मेनली किसी भी एरिया में वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, रोड्स के वर्क को डेवलप करना होता है। अब देखिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी एक नज़र देख लेते हैं इस बारे में भी। भाई, जब एमपी लिड स्कीम पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह ही पढ़ते हैं ना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा के मेंबर्स जो भी इलेक्टेड हैं,
है ना, वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए वहाँ पर वर्क रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हम ये पैसा लगाएंगे, क्योंकि उन्हें 5 करोड़ हर साल मिलना ही है, और ये 5 करोड़ 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है, 2.5 करोड़ 2.5 करोड़। अब देखिए, और जो राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं वो पूरी स्टेट में कहीं भी वर्क रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत यहाँ पर है, राइट। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पूरी कंट्री में कर सकते हैं, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा के हों राज्यसभा के हों, वो पूरी कंट्री में कोई भी एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं और वर्क रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ यहाँ डेवलपमेंट का वर्क होना चाहिए। देखिए, अब इसमें एकदम से जाके ग्राउंड लेवल पर एमपी काम नहीं कराता है, इसमें सबसे पहले एक जो ये एमपी होता है वो पूरी एक कॉपी सा, एक परफॉर्मा सा बना देता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फिर इस कॉपी को स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री को दिया जाता है, स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री जो है वो एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को देती है जहाँ काम होना होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक कॉपी जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही उस डेवलपमेंट वर्क को करवाएगा। अब देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये पावर है कि वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सिलेक्ट कर सके, मतलब जिनसे वो काम कराएंगे उनको सिलेक्ट करने की पावर है उन्हें, ठीक है, और वो वर्क प्रायोरिटाइज करवा सकती हैं कि मतलब कौन सा डेवलपमेंटल वर्क पहले होना चाहिए। आप देखिए, वो पूरा सुपरवाइज करती हैं और स्कीम ग्राउंड लेवल तक बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो इस चीज़ का ध्यान रखती हैं, और अल्टीमेटली उसे मॉनिटर भी करती हैं। देखिए, स्टार्टिंग में जब ये स्कीम आई थी तो इसमें 5 लाख रुपए साल दिए जाते थे, और फिर 1998-99 में इस अमाउंट को बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। देन अब जो मिलता है ये अमाउंट वो 5 करोड़ मिलता है, और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगी, ये पीवी नरसिम्हा राव ने ये स्कीम स्टार्ट करी थी डेवलपमेंट वर्क को करने के लिए। अब देखिए, इसमें ये बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस स्कीम का, कि नॉन लैप्सेबल फंड होता है, मतलब जैसे 5 करोड़ पूरे साल में मिला और किसी एमपी ने यूज़ किया उस फंड को 4 करोड़, तो बाकी का जो 1 करोड़ होता है वो अगले साल के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब अगले साल 5 करोड़ मिला और इस साल का 1 करोड़, तो वो 6 करोड़ हो गया, ठीक है। ये फंड आपका लैप्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा फंड यूज़ करना है एक ही साल में, राइट। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड है, और एमपीज़ को रिकमेंड किया जाता है कि वो जहाँ पर एससी पॉपुलेशन रहती है वो 15% अमाउंट वहाँ यूज़ करें, और जहाँ एसटी पॉपुलेशन रहती है वहाँ पर अमाउंट का 7.5% यूज़ करें, ऐसा एमपीज़ को रिकमेंड किया जाता है, राइट। अब हम ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे इस स्कीम के, जितना आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना था उतना मैंने आपको सब कुछ बताया है। अब ये बात कर लेते हैं कि अपोजिशन इसका विरोध क्यों कर रही है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। देखिए, अपोजिशन ये कह रही है कि ये स्कीम इसलिए लाई गई थी कि हम डेवलपमेंटल वर्क को एनकरेज कर सकें, हम डेवलपमेंटल वर्क करा सकें, जब हमारा जो मेन पर्पस है एमपी रहने का वही डिफ़ीट हो गया, सेंटर ने पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली, तो हमारा एमपी होने का क्या वजूद रह गया, कोई वजूद नहीं रहा, है ना। देखिए, एक बात से उनका पॉइंट ठीक भी है, लेकिन दूसरी बात से देखें तो पूरी विश्व भर में पेंडेमिक आया हुआ है और इंडिया भी उस चीज़ से अछूता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा ना गवर्नमेंट को भी, तो गवर्नमेंट ने फंड्स वहाँ से निकाल के वहाँ यूज़ किए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया एमपीज खुद भी यूज़ कर रहे थे इस पेंडेमिक से जूझने के लिए ही ये फंड्स, लेकिन अब उन्होंने सेंटर ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले ली है, तो अपोजिशन इसलिए विरोध कर रहा है, और इनका विरोध कुछ हद तक, देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव में और कुछ नेगेटिव में। देखिए, लाजमी सिर्फ इसलिए है कि उनका एमपी होना इस चीज़ से बिल्कुल डिफ़ीट हो जाता है कि उनके हाथ से बिल्कुल उनको कुछ मिल ही नहीं रहा फंड में, तो वो क्या यूज़ करेंगे आगे डेवलपमेंटल वर्क के लिए, ठीक है। सीधा आप ही एलोकेट कर रहे हैं स्टेट को कि यहाँ पर हाँ कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, और आप इसको अच्छे से नहीं करें, जैसे केरला में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ पे आपने अमाउंट कम एलोकेट किया एज़ कम्पेयर टू गुजरात में कम पेशेंट्स थे कोरोना वायरस के, कम डेथ्स हुई थी, और वहाँ पर आपने ज़्यादा फंड एलोकेट किया, तो ये पार्शियलिटी हुई। इस बात पे अपोजिशन विरोध कर रही है, ठीक है। मैंने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन आपका है, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिए। सभ्य रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ फिर से हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।